नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, एमडी होम्योपैथ औरंगाबाद महाराष्ट्र से आज आपके साथ इस इंस्टाग्राम लाइव पे 31 मार्च 2022 को लाइव आया हूँ। और लाइव आने का मैंने बोला था मैं नहीं आऊँगा, मगर एक छोटा सा न्यूज़, छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपके साथ लाइव आया हूँ। देखिए, तीन लोग हैं, हम एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते हैं। एक दिल्ली में है, एक राजस्थान अजमेर में है, और मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में हूँ। उसमें से जो अजमेर वाले हैं, उन्होंने तो भी मेरे वीडियो देखे थे, इसके पहले भी देखे थे। मैंने उनको एक महीने पहले उनके बारे में मुझे पता चला और उनके वीडियो मैंने देखे। दूसरे जो है दिल्ली वाले, वो उनको मैंने 3 महीने पहले उनका सबसे पहली बार वीडियो देखा, और तब तक मैं उनका नाम नहीं जानता था, और वो मुझे अब तक मेरा नाम भी नहीं जानते, और मेरे वीडियो भी उन्होंने मेरे ख्याल से देखे नहीं है। और हम तीनों लोग एक ही बात कर रहे हैं। दिल्ली के जो है, उनका नाम है राकेश शर्मा, उनके यूट्यूब चैनल का नाम है एम्ब्रेंस। जो अजमेर के हैं, उनका नाम है मंगल, उनके चैनल का नाम है ग्रेट इंडिया, और मैं डॉक्टर विलास जगदाळे। तो हम तीनों एक ही बात गए 2 सालों से आपको बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये होगा, जो मैं कह रहा हूँ ये ऐसे ही होगा, ये वो कह रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ जो होगा वो करने वाला मैं ही हूँ। तो तीनों बातें, तीनों लोग एक ही बात कह रहे हैं, सिर्फ वो कह रहे हैं कि ये होगा, लोग संभल जाइए। उन्होंने नाम लिए हैं कुछ लोगों के, तो कोई कुछ 5 दिनों से गए 5 दिनों से थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा था, और कल मुझे मैसेज आया जो शर्मा जी है हमारे दोस्त, जो मेडिटेशन पे बात करते हैं, उनका कल मुझे पहली बार हमने लगभग 1 घंटा बात की। इसके पहले हार्डली में 2 मिनट या 3 बात किया उनके साथ। कल उनका फोन आया और उन्होंने एक मैसेज दिया जो डिवाइन का मैसेज था, जो आप उस तक उन्होंने पहुंचाया। तो मैं 2 बार वार्निंग दे चुका हूँ जिन लोगों को मेरे से प्रॉब्लम है, आपको 2 बार वार्निंग मैंने दिया है। 3री बार के वार्निंग के बाद में जो हाल हम, जो मंगल जी ने कहा है और जो शर्मा जी ने कहा है कि जो देश के कप्तान बने हुए हैं और जो देश के लीडर्स बने चुके हैं, उनके हाल जो हम करेंगे वही हाल उनका भी मैं करूँगा। मौका हमें आने वाला है 4 महीने, 4 महीने बाद आपको दिखेगा क्या होगा, और जो होगा वो उन्होंने उनकी ज़िंदगी में भी सोचा नहीं होगा वैसा किया जाएगा। जो लीडर आया हुआ है, जिसने अभी उसका प्रकट टाइम आएगा, उसके लीडरशिप के अंदर जब हम लीड करेंगे, जब मैं लीड करूंगा, आज आपको जो भी उनका था मेरी तरफ से उनको मैंने माफ कर दिया है। अगर फिर से वो चीज़ अगर वो करते हैं, याद रखिए कर्मा इज बीच, कर्मा आपको हिसाब आपका लेगी, और वो जब लेगी तो हमें नाम मत रखिए, हम सिर्फ हमारा कर्म कर रहे हैं, आपके कर्मों का फल आपको दिया जाएगा। मेरे से आप लिख के रखिए,
मेरे बारे में जो बदनामी करनी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं गिरता है। जब डॉक्टर होके मैं एस्ट्रोनॉमी की और डायमेंशन की पे बात करता हूँ, जब मेरे दोस्त मेरे को कहते हैं ये क्या बातें हो रही है, तब मैंने मेरे इमेज का इशू ध्यान, सॉरी नेटवर्क इशू, और कल ही मुझे बात पता चली कि ये नेटवर्क इशू सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा मेरे लाइव ब्रॉडकास्ट पे होता है, ये कल मुझे पता चला। और इन चीज़ों पे, खास कर पे मेरे जैसे जो है भारत पे, मेरे जैसे गिन के हम चार लोग हैं, और जो बात हम सीधे तौर पे करते हैं ये बात लोगों तक ना पहुँचे, ये इन्फॉर्मेशन ना पहुँचे, जिन चीज़ों पे मैंने बात की है वो चीज़ों पे लोगों को इन्फॉर्मेशन ना मिले, क्योंकि मिलियन डॉलर इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको जगाने का काम किया है। तो इस चीज़ के लिए इल्यूमिनाटी करोड़ों रुपए खर्चा करती है, और इन चीज़ों पे अगले साल भर में तो आपको मौका है, ये साल, ये दिसंबर इन्फॉर्म आपका अवेकनिंग का ये साल है आपके पास। इस साल के बाद में फिर जो मास अवेकनिंग है वो नहीं होने वाली है, फिर वो बैच वाइज निकलेगी। 2023 में एक बैच निकलेगी, 2025 में एक बैच निकलेगी, और आखिरी बैच 2028 में निकलेगी। तो इसलिए ये जो साल है, ये साल और खास करके ये महीना अप्रैल कल से चालू होने वाला है, 8 बार मौका है आपको। आप 8 बार इस महीने में आपको मौका मिलेगा डीओ, आपका कुंडलिनी अवेकनिंग का और डायमेंशन ट्रैवल का। डायमेंशन ट्रैवल आपका जब तक पूरी कुंडलिनियाँ जागृत नहीं होती है, पूरे चक्रात जागृत नहीं होते हैं, तब तक आप डायमेंशन ट्रैवल नहीं कर पाते हो, एस्ट्रल प्लेन में आप नहीं जा पाते हो। आप सोचिए कि जब मैं एस्ट्रल प्लेन और डायमेंशन ट्रैवल्स की बात कर रहा हूँ, तो ये चीज़ आपको मैं एक्सपीरियंस लेने के बाद में आपको बता रहा हूँ कि वो क्या है और किस तरह से होती है और क्या रहती है। आदमी हो, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो होगा, बिल्कुल, तो थोड़ा डिस्टर्ब था 5 दिन। कल मुझे आखिरी मैसेज क्लियर आया, और हो सकता है अनुराग शर्मा जी का जो चैनल है उस पे मेरा उनके साथ एक इंटरव्यू में हमारा होगा। और एक आखिरी बात, कल सिंगापुर का एग्रीमेंट साइन हुआ नासा के साथ, जहाँ पे वो स्टार ट्रिक जैसे एडवेंचरस जो फ्यूचर है उसमें वो अब पार्टिसिपेट होने वाला है। कहाँ है भारत? भारत ने अब तक वो एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। हम टाइम ट्रैवल, स्पेस ट्रैवल का जो नासा का प्रोग्राम है उसमें हमने अब तक एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, भारत ने साइन नहीं किया है। आपको यहाँ पे फोकट का अनाज खिला के 80 करोड़ लोगों को, आपको लगता है कि ये लोग आपको स्पेस टाइम ट्रैवल में लेके जाएंगे? ये उन बिलियनियर्स को भी ये वार्निंग है जिनको लगता है वो देश की करता धरता है, हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह से आप देश को गड्ढे में लेके जा रहे हैं, जिस तरह से आप सिर्फ आपका प्रॉफिट देख रहे हैं, देश का प्रॉफिट नहीं देख रहे हैं, मौका आपका था, आपने उसका गवा दिया, मौका हमें भी मिलेगा, हम उसका बिल्कुल हिसाब आपसे चुकता करवाएंगे। 3 लोग 3 जगह पे, मंगल, राकेश शर्मा, डॉक्टर विलय जगदार,
एक ही बात कर रहे हैं, आने वाला कल इन लोगों के लिए बहुत बुरा रहेगा और पावर लोगों के लिए भी बुरा रहेगा, क्योंकि वो एस्ट्रल वो डायमेंशन ट्रैवल में या फिर वो उन्होंने चक्रास उनके स्पिरिचुअल लेवल उन्होंने पढ़ाई नहीं है, तो फिजिकल लेवल पे उनको बहुत कष्ट होंगे। तांडव जो है वो बहुत डैमेज करेगा, कम से कम 100 करोड़ लोगों तक तो इसकी आँच पहुँचने वाली है। मैं आज थोड़ा ओपनली बोल देता हूँ, 20 से 28 करोड़ मैं तो 20 ही करोड़ कह रहा हूँ मगर जो आया है मुझे डिवाइन से, और एक 8 करोड़ 28 करोड़ लोगों का ही जो है वो डायमेंशंस पार होने वाला है। और जो आया है डिवाइन उसके साथ जो हम हैं हम लेके जाएंगे, तो सॉरी उस 28 करोड़ के लिस्ट जो बन चुकी है, जो राकेश शर्मा जी ने कह चुका है दिसंबर 2021 में, वो रेशा खींच चुकी है जहां पे कौरवों का और पांडवों का डिसाइड हो चुका है। गौरव ज़्यादा थे तो इसलिए 100 करोड़ उसमें आए हैं और पांडव कम थे इसलिए 28 करोड़ उस लिस्ट में चले गए हैं। वो लिस्ट बन चुकी है, वो खींच चुकी है, और इसका मैंने 21 मार्च को जो आपको वीडियो में बताया था, हमने सिर्फ टेस्ट लिया कि आपके दिल को झकझोड़ के देखिए कि आप उस लिस्ट में हो, समझ चुके हम कौन उस लिस्ट में नहीं है। तो इसलिए वो जो लोग मेरी जो भी करनी है बुराई कीजिए, कोई फर्क नहीं गिरता है। और आपको फिर से सभी को एक मेरा निवेदन, हम जो कर रहे हैं काम या आप क्या है आपके हेल्प के लिए है। एक बात मुझे कल अनुराग शर्मा जी ने सिखाई है, आपने फ्री में दिया है सर मगर हम नहीं देते हैं, क्योंकि फ्री की कीमत नहीं होती है लोगों को। तो सबसे रिक्वेस्ट है आप हमें आर्थिक सहयोग, आपकी मर्जी है, हम इसको फोर्स नहीं कर रहे हैं, देना चाहते हो दीजिए। अकाउंट नंबर है 3039391711, IFC कोड है SBIN00107911, गूगल पे नंबर है और फोन पे नंबर है +919096289202। और पर्सनल फ़ोन कॉल पे मैं एंटरटेन नहीं करता हूँ। और एक बात और सिखाई उन्होंने मुझे, अगर आपको मुझसे फ़ोन पे सलाह चाहिए तो 2000 रुपये मेरी कंसल्टिंग फीस आप पे कीजिए, एक घंटा आपको मैं बिल्कुल काउंसलिंग करूँगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए बिल्कुल पे कीजिए। ये मुझे कल बहुत बढ़िया बात अनुराग शर्मा जी से सीखने को मिली, आपने सब फ्री में लिया है, लोगों की हिम्मत नहीं है, चार्ज कीजिए। बिल्कुल सही कहा, जो कंसल्टिंग होके डॉक्टर मैंने किया नहीं, अकल खरीदनी पड़ती है, जो मैंने खरीदी 5 दिनों में, जो मेरा मेंटल फ्रस्ट्रेशन हुआ, जो मेरा 5 दिन का मेडिटेशन जो डिस्टर्ब हुआ, सब ये अकल मुझे आई है। पर्सनल फ़ोन करेंगे तो आप फर्स्ट मुझे मेरा कंसल्टिंग फीस जो है आप 2000 दीजिए, मैं आपको बिल्कुल कंसल्ट करूँगा, आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए बिल्कुल दूंगा। फ्री में तो भाई साहब अब तो नहीं, खास करके शेयर मार्केट के आप लाखों कमा रहे हैं और हमको हमारी कंसल्टिंग फीस भी नहीं दे रहे हैं, तो कुछ नहीं कर सकते हम। और हार्ट अटैक्स आएंगे, एड्स होगा, टीबी होगा, सिस्टमिक लुपस एरिथेमेटस होगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा, हर्पीस ज़ोस्टर होगा, और आपने टीका लिया है तो उसका भुगतान आपके बच्चों को भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये शेड होगा, एग्जैक्ट जो है जी ऑक्साइड ये शेड होगा। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, पहले भी दी थी, तो आपका जो है कीमत आपके बच्चों को भुगतनी पड़ेगी। तो और कैंसर भी होगा, क्योंकि SP40 वायरस उसके अंदर है,
बिल्कुल होगा, SV50 वायरस उसके अंदर है जो कि कैंसर पॉजिटिव एंड द वीएड्स का पॉजिटिव है, और कई सारे नए नए बीमारियां आएंगी इसी टीके से अंदर डाली गई है वो, तो सब कुछ होगा। सिर्फ वो जिन्होंने स्पिरिचुअल लेवल अपनी खुद की अवेकन की है, और अभी भी आपके पास दिसंबर तक मौका है, और जो जागरूक होगा, जो जागेगा वही बचेगा, और ये आपका एक दोस्त एज अ भाई आपको बता रहा हूँ, जिन्होंने टीका लिया है उनका एड्स होगा तो उनको एड्स से बचाने के लिए उनको एड्स प्रिवेंटिव टीकाकरण किया जाएगा, और एड्स के जो टीका आएगा वो इन लोगों के पुराने टीके के साथ जब मर्ज होगा तो भाई साहब इनके दिमाग जो है वो पूरी तरह से हैंग आउट हो जाएंगे, इनके लिम्बिक सिस्टम पूरी तरह से हैंग आउट हो जाएगी, और जब आपकी लिम्बिक सिस्टम नहीं काम करती है तो एक्चुअली आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो आपको ज़ोंबी बनने से कोई नहीं रोक सकता। और धन्यवाद सभी का सुनने के लिए और रहने के लिए साथ में, इसके आगे फ्री नहीं होगा कुछ, इसके आगे फ्री नहीं होगा, जो भी फोन करेगा पहले मेरे अकाउंट में 2000 भेजिए, स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए, कंफर्म करूंगा, उसके बाद बात करूंगा, ना टीके के बारे में, ना मेडिटेशन के बारे में, ना अगले किसी LC के बारे में, ना किसी के बारे में, अब फ्री बात नहीं होगी। अकल खरीदी मैंने 5 दिन में, मेरे 5 दिन का समय बर्बाद किया मेरा मेडिटेशन का, क्योंकि 28 तारीख को पोर्टल्स ओपन हुआ था फिर से और हाई एनर्जी चल रही थी, मेरा वो दिन बेस्ट चला गया। अब फ्री कुछ नहीं होगा, और खास करके ये माया महाराष्ट्रीय लोकांची मला धन्यवाद, काल खूप लोकांनी मला फोन केले, खूप लोकांनी मला व्हॉट्सअप पाठवले, काल खूप काही शिकायला भेटलं, बहुत कुछ समझ में आया कल, बहुत कुछ सीखने में आया कल, जितना सपोर्ट मेरे महाराष्ट्र के लोगों ने मुझे किया एज अ मॉरल सपोर्ट, क्योंकि जो हरेशमेंट की है वो नॉर्थ के लोगों ने की है, तो इसलिए हम आप सभी से धन्यवाद शुक्रिया करते हैं, और ये लाइव मैं कहा था मैं आऊँगा नहीं महीना भर, आज आया हूँ, अगला महीना देखेंगे, जो रेगुलर आते थे फ्री में आने की बात बताने के लिए, अब बंद नहीं, अब नहीं, अब आपका जो भी है वो फ्री नहीं। धन्यवाद सभी को और जागा है इसके आगे मैं और पूरा मैं बहुत ही आपको बहुत मैंने बहुत इन्फॉर्मेशन दी है, ये गेम है मुझे पता चला है जहाँ से बच्चे सैक्रेड स्टार्ट हो चुका है, सैक्रेड यानी दैविक गेम जो है ये चालू हो चुका है, और इस दैविक गेम के अंदर जो होगा वो बहुत मिस्टीरियस, और अक्षर जी को और मंगल जी को सुनते रहिए, इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से जो है वो डेली देते हैं, जैसे मैं देता था अब वो देते हैं, क्योंकि अब मेरा काम जो है वो मेरा काम अब यहाँ पे स्टॉप होके मेरा जो काम है वो अगले 4 महीने बाद स्टार्ट होगा,
और जो होगा तो रैप्चर, जिन क्रिश्चियन भाइयों को पता है रैप्चर क्या है, रैप्चर होगा इधर हिंदी भाइयों में तांडव जो है वो तांडव होगा, तो इसलिए तैयार रहिए, दिल अपने मजबूत कर लीजिए। कमजोर लोगों का ये खेल नहीं है, कमजोर लोग जैसे वार्निंग आती है कमजोर हार दिल वाले ये ना देखे, तो इस तरह से कमजोर लोग ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लोगों के दिमाग डैमेज होना स्टार्ट हो चुका है, मैंने एक एग्जांपल देखा है, मेरे क्लिनिक के बाहर एक खंभा था, वहाँ पे परसों के दिन स्पार्क हुआ और जो चिंगारियाँ है वो नीचे गिरी, नीचे 12 लोग पानीपुरी खा रहे थे, एक भी आदमी वहाँ से वो जो बात खा रहे थे एक भी आदमी वहाँ से भागा नहीं या वहाँ से दूर नहीं गया, ऊपर से थी थी या अपने पानी भी खा रहे थे। इनकी लिम्बिक सिस्टम जो है ना कि आप इस बात को समझिए, इनकी लिम्बिक सिस्टम जो है काम करना बंद कर चुकी है। 12 लोग औरंगाबाद में सिर्फ 50% का आग्रह हुआ है, उसमें से जो भी यहाँ पे आए वो 12 के 12, उसमें से एक भी नहीं हार वहाँ से जा रहा, सब वहाँ पे खड़े होकर पानी पूरी खा रहे। मैंने उसमें से एक लड़की को कहा, मैडम ऊपर से ये हो रहा, मुझे वो क्लिनिक से नीचे जाने के लिए 1 मिनट लग गया, 30 सेकंड तो स्पार्क हुआ उसमें, बाद में मुझे और नीचे जाने के लिए 30 सेकंड और लग गए, तो 1 मिनट बाद मैंने उनको पूछा, मैडम ऊपर से स्पार्क गिर रही है बाजू तो हटिए। उसने जवाब दिया, तो क्या होता है, मैं मेरे दोस्त के सीए उनको बोला, सीए साहब ये झुम्मी बन चुके हैं, इनकी लिम्बिक सिस्टम ने जवाब दे चुका है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर से स्पार्क गिर रहे तो इनके बदन पे गिरेंगे, उनके ड्रेस पे गिरेंगे, जल सकते हैं, इनकी सीए हो चुकी है। तो सॉरी 100 करोड़ लोग, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, आपका आने वाला भविष्य एड्स, टीबी, सोराइसिस, रोमेटोआर्थराइटिस, सिस्टिक लुपस, हर्पीस जोस्टर से भरा पड़ा है, और अब गवर्नमेंट फ्री की या फिर कम रेट की एड्स, एचआईवी की, एड्स की टेस्टिंग किट अवेलेबल करा के दे रही है। गवर्नमेंट औरतों को डिल्डो बांट रही है, यहाँ पे लोगों की वेगस नर्व, 10th क्रेडियल नर्व जो डैमेज हुई है, जब उनके लैट्रिन का, उनके टॉयलेट का कंट्रोल छूटेगा तो रस्तों पे तो करते हुए दिखेंगे अच्छा नहीं, तो इसलिए हर 2 किलोमीटर पे टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं, पब्लिक टॉयलेट्स। तो इसलिए ये सब मैं आपको बता चुका, फ्री में बता चुका हूं। अब करने के बोलो टाइम आने वाला है और मैं करूँगा, वो चीज रूथलेसली हार्टलेसली होने वाली है। एक सो आपने मेरा ये भी देखा है, ये एक नेचर मेरा आपने ये भी देखा है, आप मेरा वो भी नेचर देखेंगे, तो इसलिए धन्यवाद सभी का, जो जागा है वही बचेगा, जो मेडिटेशन करेगा वही आगे जाएगा, अगली जर्नी जो है वो स्पिरिचुअल लेवल पे चलने वाली है, टेक केयर सभी को, सभी को ध्यान रखिए, बिकॉज तांडव होने वाला है, तांडव जो डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी डांस है जिसमें डिस्ट्रक्शन तो होता ही है, उसमें क्रिएशन भी होता है और डिस्ट्रक्शन भी होता है, तो न्यू क्रिएशन होगा स्पिरिचुअल लेवल पे और डिस्ट्रक्शन होगा
सुनामी आएगी, अर्थक्वेक आएंगे, बाढ़ आएगी, तूफान आएंगे, साइक्लोन आएंगे, हार्ट अटैक आएंगे, टीबी होगा, एड्स होगा, तो इसलिए जागिए, जगाइए, तो जागा वही बचेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।